Assalamu alaikum, my dear students. A very good and pleasant morning to all of you. Hope you all are doing well, staying safe at your homes. Dear students, this is your science teacher. Today we are going to continue our yesterday's topic, and today's our subtopic is basic practices of crop production. डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा कल का टॉपिक था वही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इसमें जो आज हमारा सब टॉपिक है वो है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है कि जब भी हम ये कहीं पे ये प्रैक्टिस करेंगे. देयर आर सर्टन कंडीशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग ए गुड क्रॉप यील्ड. राइट काइंड ऑफ सॉयल, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स आर नेसेसरी टू ऑब्टेन ए गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप. तो कहीं भी हमें अगर गुड क्वालिटी हमें फसल चाहिए तो हमें उसके लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा और किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है. देखिए, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए राइट काइंड ऑफ सॉयल, जो लैंड हो वो फर्टाइल हो. गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स होने चाहिए जो हम सो करें, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और पेस्ट्स से हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, और प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स हमें चाहिए गुड क्रॉप यील्ड हासिल करने के लिए. राइट काइंड ऑफ सॉयल क्या होती है? टू ऑब्टेन गुड क्रॉप, क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन लार्ज नंबर्स इन द फील्ड्स एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड फॉर देयर प्रोड्यूस. वी मेजर द यील्ड ऑफ क्रॉप इन किलोग्राम्स एंड टन्स पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. ए फील्ड नीड्स टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू यील्ड गुड क्रॉप्स. सम ऑफ द मेजर्स आर गिवन बिलो. यहाँ पे हमें अगर गुड यील्ड चाहिए तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है. सबसे पहले हम देखेंगे राइट काइंड ऑफ सॉयल होनी चाहिए. द फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट एंड एयर आर एबंडेंटली अवेलेबल. जिसमें हम क्रॉप सो करेंगे वो फील्ड ओपन होना चाहिए, उसमें सनलाइट अच्छे से पड़नी चाहिए और एयर भी अच्छी अमाउंट में उसको होना चाहिए. द फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे कैटल एंड अदर सच एज ट्रेसपैसर्स दैट मे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. दो जो फील्ड है उसको हमें कैटल्स, मवेशियों वगैरह से हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. द सॉयल शुड बी टर्नड बिफोर सोइंग सो दैट द रूट्स ऑफ द यंग प्लांट्स कैन पेनिट्रेट इट ईजीली. सॉइल को हमें प्लो करना चाहिए, पहले टर्न करना चाहिए, ताकि जो सीड्स हों उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो कि वो आराम से सॉइल में पेनिट्रेट हो जाएं. दिस हेल्प्स द प्लांट टू होल्ड फर्मली ऑन टू द सॉइल. तो वो सॉइल को फर्मली पकड़ लेते हैं. ऑल्सो द रूट्स आर वेल वेंटिलेटेड. रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप प्लांट्स नीड लूज्ड सॉइल for proper growth and for a good yield of the product. The right amount of water should be available. वक्त वक्त पर हमें उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसको पानी देना चाहिए. The soil should contain sufficient nutrients for the healthy growth of the plants. जो soil होनी चाहिए वो fertile होनी चाहिए, उसमें काफ़ी nutrients होने चाहिए जो उस plant को उसकी growth को support करें. Unwanted plants seeds should be removed from the soil so that the main crop gets enough nutrients. जो unwanted plants सीड्स जिनको बोलते हैं, जो घास वगैरह चढ़ती है बाकी, वो हमें रिमूव करने चाहिए ताकि ये जो प्लांट्स हो, क्रॉप प्लांट्स हो, उनको अच्छे मतलब पूरे न्यूट्रेंट्स उनको हासिल हों. द सॉयल इज देयर फॉर टर्नड ओवर बाय ए फ्यू इंच. दिस इज डन बाय प्लोइंग और टिलिंग. फॉर प्लोइंग द सॉयल वेरियस टाइप्स ऑफ प्लोज आर यूज्ड. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सॉयल को टर्न करना है. उसको हम टर्न कर सकते हैं बाय प्लोइंग. उसमें हल जोतना है वो हम ट्रैक्टर से या किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, तो उसमें ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है.